फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट पेश किया गया। इस बजट में कई तरह के चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स के स्लैब रेट बढ़ा दिए गए हैं और कई चीज़ें महंगी हुई हैं तो कई चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। आज की वीडियो का हमारा मेन फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट स्कीम में कई चेंजेस किए हैं जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं जिससे कि आपको इन्वेस्ट करने में एक अच्छी खासी इनकम हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें कि एक लिमिट रहती थी कि पर्टिकुलर इतने अमाउंट से ज़्यादा हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने उस लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं एक एक करके कौन कौन सी स्कीम में गवर्नमेंट ने उस लिमिट को बढ़ाया है और पहले क्या लिमिट होती थी। तो फ्रेंड्स, पहली स्कीम है POMIS। POMIS का मतलब है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में यदि आप सिंगल नेम पे पैसे जमा करते हैं तो आपको मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये आप जमा कर सकते थे, और यदि ज्वाइंट नेम पे पैसे जमा करते थे तो मैक्सिमम 9 लाख रुपये आप जमा कर सकते थे, और 9 लाख रुपये जमा होते के साथ ही आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता था, और हर महीने आप उसका इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था, या फिर आप जाके पोस्ट ऑफिस से जाके निकाल सकते थे। तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 लाख रुपये था, इस अमाउंट को बढ़ा के 15 लाख रुपये कर दिए गए। यदि आप किसी सिंगल पर्सन के नाम से POMIS कराते हैं, यानी कि MIS स्कीम जिसको आप बोलते हैं, उसमें अब आप 4.5 लाख रुपये की जगह 9 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यदि ज्वाइंट नेम पे कराते हैं तो उसमें आप 15 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है। रीज़न क्या है? अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, जो कि 6.7% था, जिसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 7.1% कर दिया है। यदि इसमें एक बार आप पैसा डाल लेते हैं 15 लाख रुपये, तो 5 साल तक आपको 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और इंटरेस्ट का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा, या फिर हर महीने आप जाके उस पैसे को निकाल सकते हैं POMIS में। दूसरी स्कीम जिसमें कि गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ाई है वो आप जान लेते हैं। वह स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। आज की डेट में इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। इसमें भी एक लिमिट होती थी कि इतने से ज़्यादा पैसे आप जमा नहीं कर सकते, यानी कि जिस टाइप से आप बैंक में FD होती है, उसी टाइप से पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, और उसकी लिमिट होती थी 15 लाख रुपये। यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 15 लाख रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, जो कि नॉर्मली कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं दे रहा आपको। किसी भी नेशनलाइज बैंक को आप देख लीजिए, वो आपको 7.5% का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है वो दे रहा है 8% का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे। उसमें जो मैंने आपको बताया कि लिमिट थी 15 लाख रुपये, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसको 30 लाख रुपये कर दिया है। यानी अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 30 लाख रुपये तक कर सकते हैं, जो कि पहले 15 लाख रुपये थी। तो इससे उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो कि रिटायरमेंट पे उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता था, वह इस स्कीम में पूरा पैसा लगा सकते और 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट उठा सकते हैं। तो ये खास तौर पे सीनियर सिटीजन के लिए ही है। इसमें मिनिमम एज जो चाहिए वो 60 साल से ऊपर चाहिए, वही लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी स्कीम में कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लिमिट बढ़ाई है या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, महिला सम्मान बचत पत्र। जैसे कि किसान विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जिसको आप NSC बोलते हैं, उसी तरह से महिला सम्मान बचत पत्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इस स्कीम में आप 2 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यह स्कीम रहेगी 31 मार्च 2025 तक। 31 मार्च 2025 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस पर 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और यह स्पेशली है लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए। आप किसी फीमेल के नाम पे बचत पत्र ले सकते हैं, जो कि महिला सम्मान बचत पत्र जो मैंने आपको बताया ये पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे, और किसी लड़की के नाम से भी आप ये ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।